हेलो दोस्तों, मैं सुनीता सोम आपका अपनी किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे सूजी से बना हुआ एकदम हेल्दी नाश्ता, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बच्चों को तो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अब सबसे पहले हम वेजिटेबल लेंगे जो हम डालेंगे। इसके लिए लिए हमने हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, ये लाल शिमला मिर्च और एक थोड़ी सी प्याज। इसके बाद हरा धनिया और स्वीट कॉर्न और एक ली है हरी मिर्च। अगर आपके पास लाल और पीली शिमला मिर्च ना हो तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने मिक्सर बाउल लिया है, इसमें हमने डाले एक कटोरी सूजी और इसमें डालेंगे आधा कटोरी फ्रेश दही। इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे एक पेस्ट बना लेंगे गाढ़ा सा। इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है, ये इस तरह से हम एक पेस्ट बना लेंगे। इसी तरह से हमें ये चाहिए। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच के करीब चावल का आटा। चावल के आटे से इसमें एकदम करारापन आएगा। अब इसमें डालेंगे हम जो वेजिटेबल रखी हुई है, प्याज, शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, इसके बाद हरी शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न्स डाल देंगे और हरा धनिया भी डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को इसमें हम डाल देंगे। अब इन्हें डालने के बाद इन्हें अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे, ये अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इसी तरह से चला लें। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा मैंने लिया है और ये लिया है मैंने चाट मसाला आधा चम्मच के करीब। इन्हें भी अच्छी तरह से मिला लें। अब इन्हें 5 मिनट के लिए हम ढककर रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे एक बार चेक कर लेंगे चलाकर। अगर दोस्तों ये हमारे गाढ़ा लगेगा तो हम इसमें ज़्यादा पानी ना डालें, 1 चम्मच पानी डालकर इसे मिक्स कर लें। अब ये हमारा बैटर तैयार है। अब सबसे आखिर में हम डालेंगे इसमें 2 चुटकी के करीब खाने का सोडा। ये इसे अच्छी तरह से डालकर मिला लें। ये हमने अच्छी तरह से मिला लिया है इसमें। अब हमने एक तड़का दानी ली है, उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डालकर अब इसमें हम इस पेस्ट को 3 चम्मच के करीब इसे डालेंगे। ये 2 चम्मच डाल दिए हमने, अब इसमें हम 3री चम्मच भी डाल दें। अच्छी तरह से इसे गोलाई के शेप में डालें इस तरह से करके। अब इसे 2 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी चारों तरफ से चिकनाई डाल देंगे। चिकनाई डालने के बाद फिर इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। गैस को हम धीमी रखेंगे। अब देख लेते हैं, अभी हमारा नीचे से ब्राउन हो चुका है। देखो दोस्तों ये कितना अच्छा लग रहा है ब्राउन होकर। इसे अब नीचे से भी पकने के लिए ढक देंगे। अब इसे ऊपर नीचे से दोनों तरफ से करके अच्छी तरह से सेक लेंगे। अब ये हमारा सिक चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम आपको फिर एक दूसरा भी ऑयल में डालकर बनाकर दिखाएंगे। इसी तरह से 3 चम्मच इसमें डाल लें, फिर इसे ढक दें 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा चिकनाई डालेंगे जिससे अच्छी तरह से ये नीचे से भी सिक जाए। अब इसे फिर ढक देंगे। फिर इसे चेक करेंगे, अब इसे फोक से पलट देंगे। देखो दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह से हम इसे पलट कर सेक लेंगे।
अब ये हमारा सीख चुका है। दोस्तों इसे ज़रूर ट्राई करें क्योंकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है बनकर। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।